This is the place of pride, Hall of Fame, situated in Leh, constructed by Indian Army in memory of our brave soldiers who sacrificed their lives defending the motherland during Indo-Pak Wars. I have showed you the museum photos and videos simultaneously while soldiers delivering the speech. Use headphones or earphones to listen to the soldier's speech clearly. Inside, there is a museum showing displays of weapons, arms used in Kargil war, maps, photos, culture of Leh and associated facts of Ladakh. After knowing the history and patriotic information given by soldiers, your eyes will fill with tears. वॉर एंड हीरोज गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। गैलरी के फर्स्ट कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र बोर्ड के माध्यम से दर्शाए गए हैं। पूरे भारत में 21 परमवीर चक्र और 219 महावीर चक्र विजेता हैं, जिसमें से 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र लेह लद्दाख के रीजन में मिले हैं। मेरे सामने 1947 से 1971 तक लेह लद्दाख में जितने युद्ध हुए हैं उन्हें फोटो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। मेरे दाएं शोकेस में 1947 से 99 के युद्धों में कैप्चर वेपनों में से कुछ एक वेपन यहां डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। मेरे बाएं शोकेस में यह डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, यह पाकिस्तानी सेना से कारगिल वॉर में कैप्चर डॉक्यूमेंट है जिन्हें बाद में आप देख सकते हैं। यह है टेरन मॉडल। टेरन मॉडल को पियानो के आकार में बनाने का एक ही मकसद है, आप लोगों को प्लेन एरिया से हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया के बारे में बताना, वो ब्रीफिंग देना। येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, यह हमारा प्लेन एरिया पंजाब वो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जिसमें सर उधमपुर, पठानकोट, बिलासपुर। ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, यह हमारा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का इलाका है, जिसमें सर आता है मनाली। हिमाचल प्रदेश का इलाका खत्म होते ही शुरू होता है हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया, जिसे हम लेह लद्दाख कहते हैं। और आप अभी खड़े हैं लेह में। ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यह इंडस रिवर जो चाइना से शुरू होती है, लेह से बहती हुई पीओके में जा मिलती है, सिंधु रिवर कहलाती है। इसी के साथ रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यह हमारा नेशनल हाईवे NH1 है। इसी के साथ आप सभी ने यहाँ पर एक जगह का नाम और सुना होगा, संगम, जो झंस्कार रिवर और इंडस रिवर के मिलने से बनता है। ग्रीन फ्लैग एरिया POK, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, जिसे पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर कहते हैं। इसी के साथ ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यह हमारी LOC, लाइन ऑफ बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि 1999 का कारगिल वार इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था, द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर में। ग्रे कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, यह हमारा सियाचिन ग्लेशियर का इलाका, जिसकी हाइट लगभग 23,000 फीट और यहाँ का टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री तक रहता है। मैं आपको बता दूं, आज भी भारतीय सेना के बहादुर जवान देश की रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं और यह वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है। इसी के साथ ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यह हमारी LAC, बताएगा कोई फुल फॉर्म, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो पेंगोंग लेक को दो भागों में बांटती है, जिसका 30% हिस्सा इंडिया में और 70% हिस्सा चाइना में आता है। यह कुल लेक 135 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। LAC के पास लास्ट विलेज जहां तक आप जा सकते हैं, तुरतुक से 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज, जो कि 1971 में पाकिस्तान से कैप्चर किया गया था। यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट हैं, पहला लेह डिस्ट्रिक्ट, दूसरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जिसे ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख भी कहा जाता है। यहाँ पर दो एयरपोर्ट है, पहला लेह एयरपोर्ट, दूसरा प्रतापपुर एयरपोर्ट। प्रतापपुर एयरपोर्ट ओनली मिलिट्री रीजन के लिए यूज किया जाता है। लेह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जिला है, क्या आप में से कोई बताएगा पहले और तीसरे नंबर पे कौन आता है? पहले पे आता है गुजरात का कच्छ और तीसरे पे आता है राजस्थान का जैसलमेर। जय हिंद, थैंक यू। Now we'll see the other terrain model and another soldier speech. कारगिल और सियाचिन गैलरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के सामने कारगिल युद्ध के दौरान लड़े गए सभी ऑपरेशंस को फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। तो मेरे सामने सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर इंडियन आर्मी के जवान किस प्रकार सर्वाइव तथा ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर होने वाले इक्विपमेंट के बारे में दिखाया गया है। सेंटर में रखे फोकस के अंदर कारगिल वार के कुछ कैप्चर वेपन्स
जो कि आप मेरी ब्रीफिंग के बाद डिटेल में देख सकते हैं। मॉडल पर एक बुकमार्क जो कि एनएच1 श्रीनगर से जजीला दराज कारगिल से होते लेकर जोड़ता है। मॉडल पर रेड लाइन, कच्चे और पक्के रोड ब्लू लाइन, छोटी और बड़ी नदियों को दर्शाता है। मॉडल पर मुक्ति नदियां, इंडस रिवर, सिंगर रिवर जो कि चाइना से इंडिया की तरफ, सिंगर रिवर जो कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ। यह एक टनल मॉडल है जो कि किसी भी देश की सेना ऑपरेशंस को लॉन्च करने से पहले उस इलाके के बारे में जानकारी देना या ऑपरेशन के बाद डिब्रीफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कि रेड कलर से दर्शाए गए हैं गुलतारी, गौन, मतियाल, बिजोट और मरोल। इन्हीं गांव से होकर एलओसी गुजरती है। कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट था जिसके तहत कि विंटर के समय ज्यादा ऊंचाई वाले पोस्टों पर ज्यादा स्नो फैल होने के कारण किसी भी देश की सेना नहीं रुकेगी। एग्रीमेंट के हिसाब पर भारतीय सेना नीचे बेस पर डाउन हो गई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमसे छुपते छुपाते हमारे कई एक पोस्टों को ऑक्यूपाई कर लिया। जितना इलाका ऑक्यूपाई करना तो कर चुके थे, अब बारी थी भारतीय सेना की, जो कि पाकिस्तानी सेना की नाकाफ हरकत को मुंह तोड़ जवाब देना। 2 मई 1999 को शुरू हुआ पहला ऑपरेशन लॉन्च 15 मई 1999 को किया गया। अब इसकी जानकारी भारतीय सेना को कैसे हुई कि कुछ एक पोस्ट पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे धोखे से ऑक्यूपाई कर लिए हैं, जो कि बटाली सेक्टर में मलथू धाम इलाके में एक सिविल चरवा जिसका नाम था तासी नाम ग्याल, उसने देखा कि कुछ ऊंचे कदकाठी के पठानी ड्रेस में जो पत्थरों से बैंकर का निर्माण कर रहे थे, उसने देखा ये तो इंडियन आर्मी नहीं है। जो एग्रीमेंट के हिसाब पर बेस पर बैठी इंडियन आर्मी उसको बताया, उसके तुरंत बाद इंडियन आर्मी एक्शन में आ गई, जो कि 11 की पेट्रोलियम टुकड़ी तैयार की गई, जो कि कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में पेट्रोलियम टुकड़ी इस इलाके में भेजी गई। ये पेट्रोलियम टुकड़ी इस इलाके में गई तो जरूर, लेकिन एक भी जवान वापस नहीं आया। उसके बाद ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया। सफेद सागर नाम इसका इसलिए दिया गया कि ज्यादा ऊंचाई होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके तहत पूरे बटालिक सेक्टर को रिकैप्चर कर लिया गया। और बटालिक सेक्टर को रिकैप्चर करते समय लास्ट खालुआर पोस्ट पर 111 गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन मनोज कुमार पांडे वहां पर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर से सम्मानित किया गया। द्रा सेक्टर, द्रा सेक्टर में काफी अहमियत वाली जगह तोलोलिंग, तो हम से सर कोई बताया किस लिए थी अहमियत वाली जगह तोलोलिंग, जो कि एक नेशनल हाईवे, हाँ, जो कि दुश्मन की सीधी निगरानी में था, तो तोलोलिंग को रिकैप्चर करना बहुत ही जरूरी था। अगर तोलोलिंग को रिकैप्चर ना करते तो आज हम सब यहाँ कौन होता, तो क्या इंडिया होने देता है ऐसा। तो तोलोलिंग को रिकैप्चर करते समय 1 महीने का समय लगा। तो तोलोलिंग को रिकैप्चर करते समय 2 राजपुताना राइफल के कैप्टन विजयन थापर वहाँ पर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। और शहीद होने से पहले उन्होंने अपने माता पिताओं को एक लास्ट खत लिखा, जो कि द लास्ट पोस्ट के नाम से इस दीवार पर लगाया गया है। अब इसका तो पता होगा, अगला था 0.5/40 0.5/40 का टास्क 13 जैकरिप को दिया गया, और 13 जैकरिप के कैप्टन विक्रम बत्रा। अब इसका तो पता होगा, एक दूसरा भी नाम था शेरशाह, जो कि शेरशाह वहां पर बहादुरी से लड़ते हुए 0.5/40 को रिकैप्चर कर लिया। और रिकैप्चर करने के बाद उन्होंने अपने कमांड पोस्ट को 4 शब्दों का सक्सेस कोड दिया, ये दिल मांगे बोर। उनका दिल इतनी नहीं रुका था और मांग रहा था। जो अगला था 0.4875 को रिकैप्चर करना था, 0.4875 को रिकैप्चर करते समय शेरशाह वहां पर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और उन्हीं की टीम में एक जावा सिपाही राइफलमैन संजय सिंह, जो कि पाकिस्तानी हथियार से पाकिस्तानी सेना को मार गिराया। उनकी बहादुरी और वीरता के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला था टाइगर हिल, टाइगर हिल को टैक्स 18 ग्रेनेडियर को दिया गया। और 18 ग्रेनेडियर के जावा सिपाही ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह यादव, जो कि 17 गोली लगने के बाद भी इन्होंने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। इनकी बहादुरी और वीरता के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट था कारगिल सेक्टर, कारगिल सेक्टर ऑपरेशन तलवार चलाया गया। ऑपरेशन तलवार के तहत पूरे कारगिल सेक्टर को रिकैप्चर कर लिया गया। ये ऑपरेशन विजय 2 मई 1999 को बटालिक सेक्टर से शुरू हुआ, 26 जुलाई 1999 को कारगिल सेक्टर में समाप्त हुआ। इस चले 3 महीने ऑपरेशन विजय में पाकिस्तानी सेना इधर से एक भी जमीन का टुकड़ा कब्जा न कर सकी। इस ऑपरेशन विजय में 527 जवान शहीद हुए और 1353 जवान घायल हुए। इन वीर शहीदों की याद में हर वर्ष इंडियन आर्मी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है। यहाँ पर मेरी समाप्त होती है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो अपना कीमती समय देकर इन वीर शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए आए। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और ये मैं भूल गया, इसमें इस ऑपरेशन विजय में 527 जवान अपने शहीद हुए थे और 1353 जवान घायल हुए थे।
This is the last letter written by Captain Vijay Thapar to his family. I remember the song sung by Lata Mangeshkar, "Ae Mere Watan Ke Logo," after hearing this story. Please visit Hall of Fame, which is on Leh Kargil Road, 4 km away from Leh City. Jai Hind, Jai Bharat.